बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे तो ठीक ही है, अभी जिस चीज का मांग बढ़ता है उस चीज का रेट तो हाई होता है। मतलब कुछ बुराई नहीं, अगर मुद्दा नहीं है ये महंगाई। नहीं नहीं, महंगाई तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है अपना। तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं। क्या लगता है पेट्रोल के अच्छे दिन आ गए? पेट्रोल के अच्छे दिन कहाँ है, पेट्रोल के काफी हाई रेट पहुँच गए। कोई जिम्मेदार नहीं है, अपना पर है। जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे पैसा भी तो लोगों का बढ़ रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? गवर्नमेंट को। मुद्दा तो बहुत सारा है लेकिन किस पे आदमी ध्यान देख रहा था। अराउंड 23 टाइम्स भर गया है पिछले महीने से, लेकिन आदमी क्या करे, मजबूरी में तो करना पड़ेगा ना। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल का मार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ इन्हीं वादों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी। आखिर कहाँ गए वो सभी वादे? लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से आम आदमी की कमर टूट रही है, आम आदमी की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। आपको बताएं कि मई महीने में 16 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया, जबकि जून में 4 बार, यानी कि कुल 39 दिनों में 20 बार पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है। इन सब के बीच हमारा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल के बढ़ते दाम अब मुद्दा नहीं है? कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शशि। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो ठीक ही है अभी। मतलब कुछ बुराई नहीं, अगर मुद्दा नहीं है ये महंगाई। नहीं नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अपने हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है अपना। तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? नहीं, कोई नहीं। तो कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, अपना पर है। जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे पैसा भी तो लोगों का बढ़ रहा है, पैसा ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे जा रही है ऊंचाई पर वैसे पैसा भी लोगों को बढ़ा रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? अश्वनी कुमार। क्या लगता है पेट्रोल के अच्छे दिन आ गए? पेट्रोल के अच्छे दिन कहाँ है, पेट्रोल के काफी हाई रेट पहुँच गए। कौन जिम्मेदार है इसके? अब गवर्नमेंट का क्या था इसका फ्लक्चुएशन करने का, जो रेट जो निर्धारित करने का सिस्टम है, इसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए। तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? केंद्र सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन इसके साथ साथ और भी पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इसका रेट इतना फ्लक्चुएट हुआ। तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रेट हाई हुए हैं और GST वगैरह के बाद भी काफ़ी हाई हुए। GST हटा का पेट्रोल का दाम घट गया। GST के पहले काफ़ी रेट हाई थे। सर क्या नाम है? रवि। सर क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट में ये हूँ, IT ऑफिसर। क्या लगता है पेट्रोल के अच्छे दिन आ गए? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, खास करके। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? गवर्नमेंट को, क्योंकि सारे चीज़ में GST कर दिया है, लेकिन इस पर GST क्यों नहीं लगा रही है? GST से इतना ही फायदा है तो GST पे भी लगना चाहिए। बिल्कुल। तो सर कैसे सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल का? ये तो VAT और GST का कंपैरिजन करके ही देखना पड़ेगा। अगर स्टेट जैसे VAT में हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा ले रही है और उसमें भी ले रही है, GST में भी वही हो रहा है, लेकिन GST में अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उस पर फॉलो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस पर भी GST लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक। लेकिन सर मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि पिछले सरकारों का ये किया हुआ है। GST किसने लगाया? तो मोदी। तो फिर इस पर किसने लगाएगा? लेकिन सर तो मोदी जी को ये कह रहे हैं। मोदी यही कर रहे हैं तो आपने एक कैसे दो तरफा बात कैसे कर सकते हैं? एक पे आप GST लगाइएगा और एक पे आप VAT लगाइएगा। अगर आपको लगाना था VAT तो वो भी रहने देते, तो आपको एक तरफ GST से फायदा हो रहा है तो GST इंस्टॉल करिए, क्या कहते हैं, अप्लाई कर दिया और इस पर आप VAT रहने दिए। अभी जो आप पेट्रोल ले रहे हैं वो कितना दिन चल पाता है? जो गाड़ी के माइलेज और रनिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 500 का मैं भराता था पहले, तो 2 वीक आराम से चलता था, लेकिन अभी 500 का भरा रहा हूँ तो मुश्किल से 1 वीक जा रहा है, अभी 1 वीक या 1.5 वीक ऐसे ही जा रहा है। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों की जेब पर खासा असर डाल रहे हैं। जो पेट्रोल पहले 2 हफ्ता चल जाता था, 3 हफ्ता चल जाता था, आज उतना ही लोग पेट्रोल भरा ले लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ता ही चल पाता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या लगता है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई या मुद्दा नहीं है? मैम किसको, सरकार को ही बोलेंगे ना। कैसे सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल?
ये तो हम नहीं जानते मैडम सर। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि पिछले सरकारों का ये किया हुआ, इसके वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पता नहीं मैडम, अब हमको नहीं पता है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं है? अब मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन किस पे आदमी ध्यान दे? आदमी अब काम चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन सर जून महीने में चौथी बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है, कुछ दिन में ये सेंचुरी पार करने वाला है। आज मैं भी न्यूज़ में देख रहा था, अराउंड 23 टाइम्स बढ़ गया है पिछले महीने से। तो मुद्दा तो ये है, लेकिन आदमी क्या करे, मजबूरी में तो करना पड़ेगा ना। तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हम खुद जिम्मेदार हैं। कैसे? अगर हम ना घूमें, पेट्रोल ना खरीदें, अगर बॉयकॉट कर दें तो ऑटोमेटिक इसका रेट कम हो जाएगा। जिस चीज़ का मांग बढ़ता है उस चीज़ का रेट तो हाई होता है, शुरू से मतलब देखा जा रहा है। तो अब देखिए, अब इसी के में जीना है तो। लेकिन लॉकडाउन में तो सर वाहनों का परिचालन अभी कम हुआ है, लेकिन तो डिमांड कैसे बढ़ेगा इसका? डिमांड पे मतलब क्या है कि जैसे हम भी जैसे न्यूज़ देखते हैं, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर इसका पेट्रोल का दाम अगर कम होता है, क्रूड ऑयल मतलब अराउंड शायद बैरल में कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसमें तेल कंपनियाँ थोड़ी सी मतलब लापरवाही तो बरतती हैं, अब क्या करें, मौका उन्हें भी मिल रहा है तो वो भी फायदा उठा रहे हैं। पिछले बार सर 15 अप्रैल को पेट्रोल के दामों में कमी आई थी, उसके बाद कमी नहीं आई है, फिर लगातार। हाँ, ये तो है, इस पर सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए सरकार कब लेती है, लेती है तो सर, मोदी सरकार पिछले सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सब सरकार एक दूसरे को मतलब सरकार तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहती है। अब खुद से आदमी को मतलब ये करके चलना पड़ेगा। स्टेट बैंक में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? महंगाई तो मुद्दा तो रहेगा ही, नहीं रहेगा महंगाई मुद्दा कैसे नहीं रहेगा, महंगाई तो मुद्दा है ही। और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का अभी कीमत बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई हो चाहे बिजनेसमैन हो, उनका भी अगर डी अगर बढ़ता है तो तीन महीना चार महीना पर बढ़ता है, पाँच महीना बढ़ता है। केंद्र सरकार का तो डी बढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमत तो अभी नहीं बढ़ानी चाहिए। तो जून में चौथी बार ये बढ़ा है, चौथी बार बढ़ी है, ये कहीं से सही नहीं है। इनको सरकार को सोचनी पड़ेगी इसके लेकर, कैसे सस्ता हो पाएगा पेट्रोल और डीजल का दाम। बस सरकार की, देखिए सरकार इसमें क्या पॉलिसी बनाती है, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि कैसे सस्ता होगा। आपको अगर इस तरह लगता है तो किसी और भी गुड्स को आप बढ़ा के इसको इस चीज़ का रेट को मेंटेन कर लीजिए। आप बहुत सारे ऐसा चीज़ें इस क्षेत्र में कि कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके रेट बढ़ाइए, कम से कम इसको रोका जाए। चूँकि ये एक गरीब से लेकर एक अमीर हर इंसान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो रोड पर काम करने वाला इंसान हो चाहे मजदूर हो, सबकी ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल के अच्छे दिन नहीं आए हैं, नहीं अभी अच्छे दिन पेट्रोल के नहीं आए हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग। थैंक यू मैम। पेट्रोल के अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरह से देश के अच्छे दिन आ रहे हैं, पेट्रोल के भी अच्छे दिन आए। तो साफ लोग सरकार के सराहना करें इस चीज़ के लिए। थैंक यू। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पेट्रोल के अच्छे दिन नहीं आए हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। जून में ये चौथी बार है जब पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के सबसे बुरे दिन अभी हैं, पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पेट्रोल पर ही टिकी हुई है, और अर्थव्यवस्था का सारा दमादार पेट्रोल पर होने के कारण महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे जो पॉलिटिशियन है इसका सबसे मज़ा ले रहे हैं, वो अपने पॉकेट भर रहे हैं, आम जनता त्रस्त है, और कुछ मुझे नहीं कहना बस। कौन जिम्मेदार है लेकिन इसके? सारा जिम्मेदार पॉलिटिशियन है और कुछ नहीं, जबकि ये वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल सस्ती है और फिर भी हम लोगों को महंगा मिल रहा है। सर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि पिछले सरकार ने किया है। पर पिछले सरकार में तो बहुत सस्ती थी, 70 और 80 रुपये थे तो सारे बीजेपी वाले रोड पर आ गए थे। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पर अभी इतने महंगा हो गया, फिर भी ना तो कांग्रेस आ रही है रोड पे, ना ही अपोजिट पार्टी कोई भी नहीं आ रहा, ना खुद बीजेपी अपना चुप्पी लगाई हुई है। इसलिए सरकार ही सारी जिम्मेदार है और कोई नहीं। तो साफ तौर पर लोगों को कहना है कि इसका सीधा जिम्मेदार जो है वो सरकार है, क्योंकि इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो पेट्रोल का दाम कम है, लेकिन अगर देश की बात करें, अगर राज्य की बात करें, तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर लोग खाना बनाने जाते हैं तो तेल महंगा हो जाता है, गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल महंगा है, आखिर लोग करें तो करें क्या? लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम के वजह से आम जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, तो क्या ये महंगाई मुद्दा नहीं है? है तब तो बढ़ रहा है।
किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसके लिए? जो भी जिम्मेदार है केंद्र सरकार ही जिम्मेदार न है। तो एक तरफ आम लोगों की जिंदगी में नौकरी और रोजगार के वजह से संकट है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के वजह से आम जनता काफी मुश्किलों का सामना कर रही है, क्योंकि जून में ये चौथी बार है जब पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है। आप सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं, जहां हम 96 और 97 रुपए की बात करते हैं तो हमें ये सस्ता लगता है। एक समय वो भी था जब पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी तो हम कहते थे कि बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ ही दिनों में पेट्रोल के दाम जो हैं वो शतक पुराने वाले हैं, यानी सेंचुरी पूरा होने वाली है। कोरोना महामारी के वजह से लोगों की रोजगार पर ऐसे ही संकट है, ऐसे में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम दोहरी चोट का काम कर रही है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है उससे आम आदमी काफ़ी त्रस्त है, उनके जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपको हम बताएं कि मई महीने में 16 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया, जबकि जून में 4 बार, कुल मिलाकर 20 बार 39 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। साथ ही पिछले 15 अप्रैल को आखिरी बार पेट्रोल के दाम में कमी आई थी, और इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार और सिर्फ मोदी सरकार को ठहरा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं प्राची, फर्स्ट बिहार।